स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीम इंडिया में हार के वो पांच गुनेगार जिन्होंने टीम का कर दिया बंटाधार। जी हाँ, क्योंकि दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया की करारी हार हो चुकी है। जहां पे आप 240 रन चेस कर रहे थे, वहां पे रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बैटर रन नहीं बनाया। अक्षर पटेल ने हालांकि फाइट जरूर दिखाई, थोड़ी शुभमन गिल ने वहां पे फाइट दिखाई, लेकिन उसके अलावा टीम के बड़े बड़े धुरंधर जिनमें श्रेयस अय्यर हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें खुद विराट कोहली भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि गंभीर एरा में ओडीआई में टीम के जिसे बोलते हैं ना कि खराब दिन शायद से शुरू हो चुके हैं। क्योंकि श्रीलंका के सामने ऐसी परफॉर्मेंस तो किसी ने इमेजिन नहीं करी होगी। क्योंकि T20 में हमने देखा था दो मैचेस हमने जीते, तीसरे मैच में ठीक है चीजें ऊपर से नीचे हो गई, सुपर ओवर में मैच गया, लेकिन वहां पे हमने सीरीज जीती। लेकिन जैसे ही ओडीआई में ट्रांसफॉर्म हुई टीम इंडिया, जैसे ही ओडीआई में हमारे बड़े बड़े दिग्गज वापस आ गए, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस वही की वही रही। टीम की परफॉर्मेंस में कोई भी सुधार नहीं आया, वो भी श्रीलंका में, जहां पे आप ऐसे सोचते हो कि यार सब कॉन्टिनेंट है, हमारी टीम यहाँ की कंडीशन को अडेप्ट अच्छे से कर पाएगी, रोहित विराट हमारे बहुत पहले से आ गए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि रोहित शर्मा के पहले मैच में भी रन आए, दूसरे मैच में भी रन आए, लेकिन उसके अलावा आप देखिए केएल राहुल फ्लॉप शो, श्रेयस अय्यर से कोई रन नहीं आ रहे, शिवम दुबे से कोई रन नहीं आ रहे, तो ये हमारे बैटर्स का हाल है। गेंदबाजी में भी अर्शदीप सिंह ने भी आपकी लुटिया डुबो दी भाई, एक भी विकेट नहीं लिया, 9 ओवर इन्होंने डाले, और बहुत कुछ चीजें ऐसी रही। क्योंकि गंभीर एरा में देख रहे थे लोग कि यार T20 में डोमिनेशन दिखा, ODI में क्या गंभीर उस तरीके से कोचिंग कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल, एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं गंभीर या फिर रोहित शर्मा, आप बोल सकते हैं दोनों की कलेक्टिव कॉल हो सकती है कि शिवम दुबे को ऊपर भेज देना, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो वो पांच गुनहगार कौन है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्होंने एक तरीके से सीरीज हारने के कगार पे पहला मैच टाई करवा दिया 237 रन बना के, वहां पे इनसे रन नहीं बने, एक 14 बॉल रह गई थी, एक रन इनसे नहीं बनाया गया। दूसरे मैच में 240 बनाए, ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर था, 130-35 पे टीम इंडिया ने 6 आउट कर दिए थे बाय द वे, उससे वहां से देखिए 240 बनवा दिया आपने। ये एक सबसे बड़ी गलती है कि आप मिडल ओवर और लास्ट के ओवर्स में आप विकटे नहीं ले पा रहे। वेंडरसी जो इनके आज मिस्ट्री स्पिनर रहे, इन्होंने वनिंदु हसरंगा की जगह ये खेलने आए थे, और आप देखिए कि उन्होंने ही अकेले 6 विकेटें अपने नाम कर ली। एक चरित असलंका को विकेट मिली, और इन्होंने आपको बताया जेफरी वेंडरसन ने 8 ओवर में 6 विकेटें ले ली हैं बाय द वे, 8 ओवर में 6 विकेटें, आधे से ज़्यादा टीम तो यही बंदा खा गया। तो आपको बताते हैं आज के वो पाँच गुनहगार जिन्होंने टीम इंडिया का कर दिया बंटाधार। सबसे पहले चलते हैं बैटिंग में, विराट कोहली भाई लगातार फेलियर, 2 मैच हो गए भाई लगातार भाई के फेलियर आ रहे हैं। आज भी 19 गेंदें उन्होंने खेली, 14 रन इन्होंने बनाए, 2 चौके इन्होंने लगाए, ठीक है। उसके बाद शिवम दुबे को पता नहीं क्या सोच के आपने ऊपर भेज दिया, उनका डक आ जाता है, 4 गेंदें वो खेलते हैं, 0 रन वो बनाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इनका ODI में कमबैक हुआ, गंभीर आया तो लगा कि भाई श्रेयस अय्यर का तो आना तय है, क्योंकि वो तो भाई गंभीर के बहुत ज्यादा फेवरेट है, कोलकाता के कप्तान भी है, तो वो आते हैं भाई 9 गेंदों में 7 रन बना के वो भी पवेलियन लौट जाते हैं, 3 हो गए। चौथे नंबर पर केएल राहुल, इनको ODI का बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, 2 गेंदें उन्होंने खेली, 0 रन, बोल्ड मार दिया वेंडरसन ने इनको, ठीक है। आपके विराट हो गए, शिवम दुबे हो गए 2, श्रेयस अय्यर 3, केएल राहुल 4 आपके हो, ये हो गए। वॉशिंगटन सुंदर से आप उम्मीद नहीं कर सकते, विकटे भी वो ले, बैटिंग भी वो डालें, तो उनसे कोई ज्यादा हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आते हैं गेंदबाजी फ्रंट पर, गेंदबाजी में आप देखिए कि अर्शदीप सिंह ने 9 ओवर डाले, 58 रन, 6.5 की इकॉनमी से भाई ने रन दिए, और एक भी विकेट इनके नाम नहीं रहा। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 2, अक्षर पटेल ने 1, तो ये इनके बॉलिंग के फिगर्स हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि टीम इंडिया अब सीरीज हार की दहलीज पे खड़ी है, अगर आखिरी मुकाबला हार जाती है तो सीरीज टीम इंडिया गवा देगी, क्योंकि पहला टाई रहा, अब 2 मैच हो गए, 1 ये हार गई, और आखिरी मैच पे अब चीजें चली जाएंगी। आखिरी मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।